नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण भारत के ताजा मौसम समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है, साथ ही भयंकर गर्मी को लेकर कई राज्यों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं कई राज्यों में खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान के साथ बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी गांव या भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य जिले गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य जिला गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको ऐसे ही लाकर देते रहें। दोस्तों, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश, मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा हरियाणा, पश्चिम हिमालय के कुछ हिस्सों, दिल्ली और एनसीआर में एक या दो स्थानों के साथ पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा के दक्षिण तट और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत देश के 23 राज्यों में आज आंधी के साथ बारिश होने की अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान में आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि सहित बारिश और की संभावना जताई है। वहीं कई जगहों पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश और केरल में भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, आईएमडी ने राजस्थान और यूपी में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिमी बंगाल, केरल और माहे में छिटपुट स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईएमडी ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में बारिश की भविष्यवाणी व्यक्त की है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट और इसके बाद 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी ऑरेंज अलर्ट और इसके 3 दिन बाद येलो अलर्ट जारी है। वहीं दोस्तों, बिहार में मौसम विभाग ने पटना समेत 16 शहरों में अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, रोहतास, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरनगर, नालंदा, शिवहर, वैशाली के लिए अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के साथ वर्षा का पूर्वानुमान बताया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिमी बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और केरल में छुटपुट हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं आंतरिक कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश देखी गई। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।